उसी साढ़े सरदार लोग साढ़े ब्राह्मण लोग साढ़े रायपुर लोग सब इन्वॉल्व सारी जाति लोग इन्वॉल्व हैं। करवाता हूँ कोई जी मैं तो सीमट सरिया जो मर्जी लोग सब मिलेगा जियां कल गए क्योंकि भाई जी जो कल देखा कि साड़ी आस्थाना शिवाड़ करता है साड़ा हिंदू धर्म जो भी सरकार ने अपने स्टेट में लागू किया कि 10,000 सजा बैंक ने अपना जुर्माना ये चीज जी वो माता की जय 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 श्री राम। सर मेरा मकसद है आपसे रूट रूप होने का कि हमें कल एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जजरे कोड़ी में एक पॉइंट बना दिया गया है प्रॉपर गाय का लोड करने का गड्ढा बना दिया ट्रकों में वहां से लोड करते हैं तो हम यहां वहां पे गए इन लोगों को एक्चुअली बात है कि जो हमारे डीएसपी साहब हैं एसडीपो नगरोटा उनका काफी अच्छा रोल है गौ माता के प्रति तो ये लोग डरते हैं उनसे। अब इन्होंने क्या किया गौ माता जम्मू से लोड करना बंद कर दिया यहां से पैदल लेके ये जजरे कोड़ी क्रॉस करने के बाद ही गाड़ी में लोड करते हैं तो हम वहां गया मैंने मौका देखा वहां पे मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा जिसमें वो इंजेक्शन वगैरह जो लगाते हैं ये गाय माता को और रस्से वहां पड़े हैं तो हमारी आपसे यही अपील है कि हम आपके माध्यम से मोदी साहब तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो गो हत्या है इसको बंद कराया जाए। और मैं आम देखता हूं टेलीविजन में कि लोग इकट्ठे होते हैं तिलक लगा के और 2 मिनट स्पीच करते हैं उसका वो अपना धर्म भूल जाते हैं। हमें तिलक लगाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता या मीडिया वाले से कोई बंदा वो नहीं हो जाता हम ग्राउंड लेवल पे देखना चाहते हैं कि जो गो हत्या है वो बंद होनी चाहिए। और हमारी अपील है अपने गवर्नर साहब से कि जैसे जोगी साहब ने एक कानून लागू किया है अपने स्टेट के अंदर कि गो हत्या वाले बंदे को 10,000 की सजा होगी और आई थिंक 3 या 4 लाख का जुर्माना भी रखा उन्होंने ऐसा जो कानून है हमारी स्टेट में बनाया जाए ताकि गो हत्या बंद हो। और मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूं जो रात को ये रात की आड़ लेके दिन शरेआम ये गाय माता के साथ तस्करी कर रहे हैं और गौ माता की हत्या के लिए कश्मीर से माल लेके जा रहे हैं। एक प्रश्न इन्हें बोलो।